मेरे साथियों, आज हम 2023 के एक साल को ना 2022 से 23 तक के साल भर के पूरी करंट की सीरीज पढ़ेंगे, जहां से टॉप 50 प्रश्न होंगे, आने वाले परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न है और इस सीरीज को पूरा अंत तक बने रहेगा। और आभार है, ये स्पीडी के माध्यम से सीरीज आपके सामने पहुंची है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को पूरा फटाफट अंदाज में पढ़ते हैं। सवाल पहला दिख रहा है कि केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का नया नाम क्या रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल सीधा पूछा सकता है। संविधान सदन, संविधान धरोहर, संविधान मंदिर, संविधान सभा, ये पूरी क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस वीडियो अंत तक बने रहिएगा। और जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने बताया है, संविधान सदन। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने जो पुरानी संसद भवन का नया नाम रखा है उसका नाम है संविधान सदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लोकसभा में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक 2023 को पेश किया गया। 30%, 32%, 33%, 28%। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल कई बार भिन्न के रूप में पूछा सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 1/3 भाग, 1/3 हिस्सा। इस तरह से सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अब कहेंगे सर, 1/3 हिस्सा को परसेंटेज में अगर बदला जाए तो 33% आएगा, 33.33 आएगा, तो ये हो जाएगा 33%। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगर आपने भी प्रश्न का उत्तर आपके मन में सी आया तो जवाब सही है। फटाफट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो आपके सामने है करंट, इसलिए कह रहा है किस मराठी फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में शीर्ष एशिया पुरस्कार जीता। तो आप लोग फटाफट अंदाजे प्रश्न का जवाब देंगे। जी हां, तीसरे का स्थल, विक्रम, शेरशाह, गंगूबाई, कठियावाड़ी। जी हाँ, एकदम सही आपने जवाब दिया, स्थल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये फटाफट अंदाज में स्थल होगा। हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस मसला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? चेन्नई, कोच्चि, गांधीनगर, नवी मुंबई। फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हो गया डी, नवी मुंबई। अगला आपके सामने, हाल ही में किस, अगर देखा जाए यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? शांति निकेतन, होयसल मंदिर, उपरोक्त सभी में से कोई नहीं। उपरोक्त सभी में अगर हम बात करें तो ए और बी आ जाएगा। तो यहाँ पे शांति निकेतन भी सही है और होयसल मंदिर भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है तो जवाब आपके सही है। एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब किसने जीता? सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, चाहे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी देख रहे हैं निशुल्क क्लास आप लोग। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर बी है भारत। अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताया है, आपका जवाब सही है, भारत। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका में किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल IICC राष्ट्र को समर्पित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। भारत मंडप, अमृत कलश, यश भूमि, यशो भूमि, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग, इसकी जो PDF है इसकी आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ये लेने भी दुर्गेश सर से ज्वाइन कर लेना है। जी अगर प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, शिवांगी सिंह। सॉरी, ये तो शिवांगी सिंह हो गया ना। यहाँ पर क्या होगा? भारत मंडप, अमृत कलश, यश भूमि, यशो भूमि। यहाँ पर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, यशो भूमि। हाल ही में भारतीय सेना स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली सर्जन कौन बनी? अगर 9 की बात करें तो पायल छाबड़ा है। क्या थी? इस प्रश्न का उत्तर था बी, पायल छाबड़ा। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2023 के लिए चुना? प्रश्न नंबर 10 का जवाब सभी साथी देंगे, शाहरुख खान, आमिर खान, आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अगर प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो आयुष्मान खुराना इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। अगला है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की तरफ से टॉप 100 कंपनियों की सूची में एकमात्र किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया? इंफोसिस है, TCS है, रिलायंस है, टाटा मोटर है। प्रश्न नंबर 11 जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इंफोसिस। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ए होगा। अगला आपके सामने है, कह रहा कि केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ED के नए निदेशक किसे नियुक्त किया? सुमित सेठ, रश्मि शुक्ला, संजय कुमार मिश्रा, राहुल नवीन। जी हाँ, राहुल नवीन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हाल में किस भारतवंशीय अर्थशास्त्री सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने? धर्मन, सन्मुगतरत्नम, धर्मन, सन्मुगत थर्मन, धर्मन, वर्मन और यर्मन। प्रश्न नंबर 13, जी हाँ, थर्मन, सन्मुगरत्नम। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बी। अगला है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ किस जिले को आकांक्षी जिले के रूप में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया? प्रश्न नंबर 14 का जवाब दीजिएगा फटाफट अंदाज में जो लोग वीडियो को देख रहे हैं। नारायणपुर, जशपुर, भरतपुर, कवर्धा। तो नारायणपुर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हाल ही में राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट नाम देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण कहाँ किया गया? उदयपुर, जयपुर, कोटा, पुष्कर। कोटा इस प्रश्न का सही जवाब। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया?
बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। देखिए सभी एनसीईआरटी नोट्स इलर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है, आप जाके पढ़ सकते हैं 6 से लेकर 12 तक के सभी एनसीईआरटी नोट्स, और इसके साथ सभी जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे वहाँ से। हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम उपलब्ध हैं जी। अगर नेवा की बात करें, ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना शुभारंभ, जहाँ पर प्रश्न की सही उत्तर क्या होगा, गुजरात। हाल ही में भारत ने किस देश से भारतीय वायुसेना के लिए अपना पहला नया C-295 MW परिवहन विमान प्राप्त किया, स्पेन, फ्रांस, रूस, USA। जी हाँ, प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पर स्पेन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो अगला है आपके सामने। किस देश ने डरना शहर में डैनियल नामक तूफान और विनाशकारी बाढ़ के 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, क्यूबा, वेनेजुएला, चिली, लीबिया। जी यहाँ पर क्या होगा, लीबिया के प्रश्न का सही जवाब है डी। ICC ने अगस्त 2023 के महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे प्रदान किया, क्रिस वॉक्स इंग्लैंड, SL गार्डन ऑस्ट्रेलिया, बानिन असरंगा श्रीलंका और SL गार्डन ऑस्ट्रेलिया, सुमन गिल भारत, ग्रेस स्क्वीनर इंग्लैंड, बाबर आजम पाकिस्तान, अर्ली केरी आयरलैंड। प्रश्न नंबर 19 का जवाब सभी साथियों को देना जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बाबर आजम पाकिस्तान और अर्ली केरी आयरलैंड को। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा डी। अगला आपके सामने, हाल ही में किस एयरलाइंस मेहमानों को हवाई अड्डे को बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया, स्पाइट जेट, एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एयर इंडिया। मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका भी। भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद SPC की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली, रियाद, दुबई, साझा। प्रश्न नंबर 21 नई दिल्ली इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला फटाफट अंदाज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 50 सवाल। US ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता, डेनियल मेदवेद रूस, नोवाक जोकोविच सर्बिया, कैस्पर रूट नॉर्वे, कार्लोस अल्काराज स्पेन। प्रश्न नंबर 22 का जवाब दीजिएगा फटाफट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, नोवाक जोकोविच सर्बिया। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य आयोजन नई दिल्ली के किस कन्वेंशन हॉल में किया गया, प्रगति मंडल, यशोभूमि, नटराज पैलेस, भारत मंडपम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से सवाल आपके लिए पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षा के लिए। भारत मंडपम सही जवाब है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 2024 होने वाले 19वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी, चीन को, ब्राजील को, अमेरिका, जापान। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल खूब झोला भर भर के आने वाले। 24 का जवाब को सभी लोगों को देना है। जी हाँ, ब्राजील इस प्रश्न का सही जवाब है बी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है तो आपका उत्तर क्या है, पूरी तरह से सही है। हाल की पहल पर किस सम्मिलित देश संस्थान को G20 का नया सदस्य बनाया गया, यूरोपियन यूनियन, UU, अरब लीग, अफ्रीकन यूनियन और विश्व आर्थिक मंच WEF। सभी लोग जवाब देंगे प्रश्न नंबर 25 का फटाफट अंदाज में, अफ्रीकन यूनियन एकदम सही जवाब है, सी आपका सही जवाब है। हाल ही बाद कितने देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA का शुभारंभ किया गया, 8, 12, 15, 6, फटाफट बताइए जवाब दीजिएगा। जी हाँ, 8 देशों के साथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है, कह रहा है कि नई दिल्ली 18वें G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक्स कॉरिडोर लॉन्च हुआ, इस प्रोजेक्ट में शामिल देश भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, उपरोक्त सभी देश। प्रश्न नंबर 27 बताइएगा। देखिए, भारत है, UAE है, सऊदी अरब है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, अमेरिका है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो सभी देश, ऑल ऑफ दीज। किस राष्ट्रीय बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया, SBI, PNB, BOB, केनरा बैंक। 28 जवाब दीजिएगा फटाफट, SBI इस प्रश्न का सही जवाब है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छता वायु सर्वेक्षण में 2023 में किस शहर को शीर्ष स्थान हासिल किया गया, जवाब सभी का आना चाहिए फटाफट, पणजी, बेंगलुरु, इंदौर, श्रीनगर। प्रश्न नंबर 29 जी हाँ, इंदौर इस प्रश्न का सही जवाब है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ जीत हुआ, बीजिंग चीन, जकार्ता इंडोनेशिया, बाकू अजरबैजान, हनोई वियतनाम। प्रश्न नंबर 30 जवाब दीजिएगा फटाफट करके। जी हाँ, जकार्ता इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही जवाब है। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया है तो आपका जवाब सही है। हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल। अगर प्रश्न नंबर 31 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला व्हाइट लेबल UPI ATM लॉन्च किया है, हिटाची पेमेंट सर्विस, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। प्रश्न नंबर 32 जवाब दीजिएगा। जी हाँ, हिताची पेमेंट सर्विस इस प्रश्न का सही जवाब है। कह रहा है, हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाले UPI सिस्टम लॉन्च किया है, हेलो UPI, बोल UPI, UPI हेलो, SUPI। सभी लोग जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये कूट के रूप में पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, हेलो UPI इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण किया है। प्रश्न नंबर 34
इंदौर ग्वालियर सांची सागर, सांची इसका सही जवाब है सी। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनियम के नाम से सम्मिलित किया? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, चेन्नई सेंट्रल। पैंतीस जवाब दीजिएगा, विजयवाड़ा इस प्रश्न का सही जवाब है बी। अमेरिकी राज्य में केंटकी लुइसविले शहर की किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की? 3 सितंबर, 8 सितंबर, 3 जुलाई, 8 अगस्त। प्रश्न नंबर 36 जवाब दीजिएगा जी हाँ, 3 सितंबर प्रश्न का सही जवाब है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ही बताया तो आपका जवाब सही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? शेखर कपूर, आर माधवन, परेश रावल, सतीश शाह। प्रश्न नंबर 37, अगर प्रश्न नंबर 37 की बात करेंगे तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो क्या है फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, आर माधवन, मतलब सवाल का उत्तर हो गया बी। अगला है, इसरो ने किस तिथि को आदित्य L1 नामक भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट आपके लिए, 2 सितंबर 2023, 23 अगस्त 2023, 2 अक्टूबर 2023, 23 जुलाई 2023। एक सवाल है कि चंद्रयान जो था भारत का चंद्रयान 3, वो किस दिन, चंद्रयान 2 कब वो लॉन्च, वहाँ पर चंद्रमा की धरती की सतह पर कब पहुँचा था? प्रश्न नंबर 38 जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके, 2 सितंबर 2023। अगला है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किस शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा देकर सम्मानित किया गया? मनमोहन सिंह, निर्मला सीतारमण, रघुराम राजन, शशिकांत दास। प्रश्न नंबर 39 जवाब दीजिएगा फटाफट, जी हाँ शशिकांत दास। मुंबई में किस नाम से प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाए गए 7वां और आखिरी भारतीय नौसेना का जंगी जहाज लॉन्च किया गया? 40 का जवाब दीजिए, INS महेंद्रगिरी। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के लिए अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन नाम की एक समिति का गठन किया, ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कि उस समिति के अध्यक्ष कौन है? M.K.N.Naidu, राजनाथ सिंह, आदित्य योगी हैं, रामनाथ कोविंद। प्रश्न नंबर 41 जवाब दीजिएगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा डी। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष CEO कौन बनी? जय वर्मा सिन्हा, रश्मि शुक्ला, उषा वर्मा सिन्हा, जयंती नटराजन। प्रश्न नंबर 42 जी हाँ, प्रश्न नंबर 42 से क्या हो जाएगा, जय वर्मा सिन्हा, मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदी विरासत माह में घोषित किया? फ्लोरिडा, जर्जिया, आयोवा, हैम्पशायर। 43 का जवाब दीजिएगा, जर्जिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। किस प्रख्यात भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट को 65वें रेमन मैग्नेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर रवि कन्नन, डॉक्टर अशोक वैद, डॉक्टर VP गंगाधरन, डॉक्टर आर रंगाराव। प्रश्न नंबर 44 से जवाब दीजिएगा फटाफट अंदाज में जितने लोग देख रहे हैं, डॉक्टर रवि कन्नन। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए। भारत किस पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया? कल्पक्कम तमिलनाडु, कारापारा काकरपारा गुजरात, कैगा कर्नाटक, रावतबाटा राजस्थान। ये मिलान करने के लिए प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है काकरपारा गुजरात। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रम PSU को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, आयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। प्रश्न नंबर 46 जी हाँ, आयल इंडिया लिमिटेड को। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? पुष्पा, सिरसा, राकेट, गंगूबाई कटियारी। बताइए फटाफट, देखिए नोट संबंधी को भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर आप सभी नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर NCERT के सभी नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ तो RO के नोट्स हो जाएंगे आपको, और UP SSC PET के भी नोट्स उपलब्ध हैं, और साथ ही साथ आप YesTat के भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। E-learning भी दुर्गेश पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, मेरी क्लास आपको निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय मिलती रहती है जी हाँ, और UP पुलिस की भी नोट्स यहाँ पर आपको पूरी तरह से उपलब्ध है। पुष्पा, गंगूबाई कठियावाड़ी, सिरसा, राकेटरी। 47 का जवाब दीजिएगा डी, राकेटरी। एक सवाल है आपके सामने कि FIDE विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? विश्वनाथ आनंद, मैग्नसे कार्लसन, आर प्रज्ञानंदा, डी गुकेश। 48 जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपके आ सकता है। मैग्नसे कार्लसन, मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा अभी, किसे आ रहा था इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया? ग्रीस के, रूस के, जर्मनी के, फ्रांस के। 49 का जवाब दीजिएगा, ग्रीस इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस क्रिकेटर को नेशनल आइकन के रूप में नामित किया? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। प्रश्न नंबर 50 का जवाब दीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर इस प्रश्न का सही और राइट आंसर। इसी के साथ 50 प्रश्नों की जो सीरीज यहाँ पर समाप्त होती है, इसी क्रम में हम लगातार करंट की सीरीज कराएंगे जो आने वाली आपकी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2023 की साल भर की, मतलब एक साल की पूरी करंट की सीरीज जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थी, उन्हीं प्रश्नों की सीरीज हम लोगों ने पढ़ा है। वीडियो को शेयर करेगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मेरे द्वारा इस तरह सभी क्लासेस निःशुल्क आपको मिलते रहेंगे, लेकिन टेलीग्राम पर आप लोग जुड़े रहेगा दुर्गेश सर सर्च करके E-learning विद दुर्गेश पर, जहाँ पर सभी क्लास की लिंक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। E-learning विद दुर्गेश ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर 6 से 12 तक की सभी NCERT नोट हिंदी अंग्रेजी मीडियम उपलब्ध। इसके अलावा भी आपको जो सारी नोट्स है वो आप
आपको टेलीग्राम से मिलती रहेंगी। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लोगों तक पहुंचाते रहे, वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे फॉलो करेगा और इंस्टाग्राम पर भी अपने व्यक्तिगत सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।